अगर आपको हमें हमारी ज़रूरत नहीं है आप ये कोर्स बंद करो, लेकिन अगर हम वो पढ़ चुके हैं, हमने MSc PhD किया है, हम इतने सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप अचानक से ऐसा रूल ला के हमें बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते। HODs और जो प्रोफेसर्स MSc PhDs एग्जामिनर नहीं बन सकते, जिनको वो पढ़ा सकते हैं बट वो एग्जामिनर नहीं बन सकते। 10 ईयर्स के बदले में आप एक MBBS ले रहे हो जिसने एक साल MBBS पढ़ी है, फिर भी आप कहते हो वो कॉम्पिटेंट है और हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हाउ फेयर इज़ दिस? उनका ये कहना है कि हम जो है उनके सिस्टम के बाहर हैं, हम क्लिनिकल नहीं पढ़ा सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, हम उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से पास आउट है जहां से उन्होंने खुद पास आउट किया है। ऑलरेडी मिनिस्ट्री इनको मना कर चुकी है, NMC को, कि आप ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर भी उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी। अभी आपको ये लगता है कि आपकी इंक्रोचमेंट हो रही है तो इनको साइडलाइन करो, बट ये होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे नारे के साथ एप्रन पहने हुए जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर साफ हो गया कि ये डॉक्टर्स हैं और ये जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के विरोध में किया जा रहा है। क्या आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हम NMC नमता एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए और कुछ हुए नियमों के बदलाव के लिए यहाँ। कौन से नियम बदलाव? सर क्या कुछ कहेंगे प्रदर्शन के बारे में, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम हमारे वी वांट जस्टिस अगेंस्ट आवर एम्प्लॉयमेंट मैडम। अत्याचार बंद करो। कि कौन सा अत्याचार बंद करो की मांग कर रहे हैं? जो NMC हमारे अगेंस्ट कर रही है, हमारी परसेंटेज घटा दी, एग्जामिनरशिप खत्म कर दी। हाँ, कितने लोग प्रभावित हुए इससे? नियरली मोर देन 5000 पीपल। क्या कुछ रूल चेंजेस आ रहे हैं, डिटेल में बताइए क्या कुछ है? मैं समझा चेंजेस हमारा तो सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। हम पिछले बंद करो हमारी टीचिंग। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये NMC का एक गैजेट आया है जिसके अकॉर्डिंग जो है HODs और जो प्रोफेसर्स MSc PhDs एग्जामिनर नहीं बन सकते। जिनको वो पढ़ा सकते हैं बट वो एग्जामिनर नहीं बन सकते, या कहाँ की बात होगी? अब उनका ये कहना है कि हम जो है उनके सिस्टम के बाहर हैं, हम क्लिनिकल नहीं पढ़ा सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, हम उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से पास आउट है जहां से उन्होंने खुद पास आउट किया है। तो हमने मेडिकल MSc कोर्स किया हुआ है और ये जो है मेडिकल कॉलेजेस में ही चल रहा है। अगर आपको हमें हमारी ज़रूरत नहीं है आप ये कोर्स बंद करो, लेकिन अगर हम वो पढ़ चुके हैं, हमने MSc PhD किया है, हम इतने सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप अचानक से ऐसा रूल ला के हमें बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते। कौन सी संस्था, प्राइवेट संस्था, सरकारी संस्था, कहाँ पर काम कर रहे थे? मैं कर रही हूँ प्राइवेट में, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। लेकिन सिर्फ मैं नहीं सफ़र कर रही हूँ, मेरे साथ ही हैं सारे डिफरेंट कॉलेजेस, हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आए हैं। प्राइवेट दोनों संस्थाएं प्रभावित? बिल्कुल डेफिनेटली, एम्स में हैं हमारे, MAMC में हैं, सफदरजंग में हैं, बहुत सारे MSc PhDs शुरुआत से पढ़ाते आए हैं। ये कोर्स क्रिएट ही किया गया था मेडिकल कॉलेजेस में बेसिक साइंसेस पढ़ाने के लिए। और आज के डेट में एक MBBS जब भी एक कोर्स ज्वाइन करता है वो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए करता है, ना कि पढ़ाने के लिए, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। हम शुरुआत से हैं। अभी आपको ये लगता है कि आपकी इंक्रोचमेंट हो रही है तो इनको साइडलाइन करो, बट ये होने वाला नहीं है। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड MSc PhDs पढ़ाते आए हैं, हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, कहीं भी आप ले लो। ये अलग से आप अगर ऐसे रूल लाओगे, ऑलरेडी मिनिस्ट्री इनको मना कर चुकी है NMC को कि आप ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर भी उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी और ऐसी गैजेट लाई। कि अभी एक और चीज़ है कि जो ट्यूटर है, जो फर्स्ट पोस्ट है, एक MSc PhD ही ट्यूटर बन सकता है। ओके, और MSc PhD मतलब मान लीजिए मैंने बायोकेमिस्ट्री करी है, मैंने 3 साल ऑनर्स किया है, 3 साल MSc मेडिकल किया है, उसके बाद 6 साल मैंने किया है अपना PhD, मैंने कुल 10 किए हैं, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बदले में आप एक MBBS ले रहे हो जिसने एक साल MBBS पढ़ी है, फिर भी आप कहते हो वो कॉम्पिटेंट है और हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं। हाउ फेयर इज़ दिस? है ना, इट्स अ कंट्री ऑफ जस्टिस और हमें बिल्कुल भरोसा है द गवर्नमेंट विल लिसन टू अस एंड गिव अस सम जस्टिस। इससे कितने लोग टोटल प्रभावित हुए? देखिए सिर्फ हमारी एसोसिएशन 2800 लोगों की है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जैसे डॉक्टर श्याम चौहान हैं, डॉक्टर उमा कांगा हैं, बहुत सारे एम्स के प्रोफेसर्स हैं MSc PhD, जिन्होंने बहुत सारे इन्यूमरस पब्लिकेशन किए हैं, बहुत सारे कोविड में काम किया है, बहुत सारा रिसर्च किया है। व्हाट हैपेंस टू देम?
यू नो ये जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो एक रिसर्च की बेस है, आप अचानक से बोलोगे वो MD को पढ़ा सकते हैं, PhD को पढ़ा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर नहीं बन सकते, हाउ फेयर इज़ दैट, है ना? का असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। स्टूडेंट्स हैं जो MSc, अगर NMC चाहती है कि ये हम लोग सब स्टैंडर्ड है, आप कोर्स बंद करो, कोर्स तो आप बंद नहीं कर रहे हो, ये कोर्स जो जिसकी एग्जिस्टेंस हुई थी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए वो तो रनिंग है, राइट? MSc इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस में MSc मेडिकल आज भी चलता है, और वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो पढ़ इसीलिए रहे हैं कि उनकी एक फ्यूचर है मेडिकल कॉलेज में। फिर आप ये कोर्स भी नहीं बंद कर रहे हो, और आप ये भी बोल रहे हो कि ये जो पास आउट है या जो ऑलरेडी पास आउट है उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट फेयर। आप इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे क्रिएट करते हो कि यू आर हैविंग अ बोर्ड ऑफ मीटिंग और हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हमारी तरफ से बोलने वाला आपने कुछ सुना ही नहीं हमारी, और आपने एक गैजेट निकाल दिया कि इनको साइडलाइन करो। ऐसा क्यों कर रहा है NMC? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? पीछे का कारण ये हो सकता है कि जो हमें लगता है, दे मे हैव देयर ओन रीजंस, हमें ये लगता है जब बेसिक साइंस स्टार्ट हुआ बहुत ही बेसिक टेस्ट होते थे जो कि MSc PhDs करते थे, क्योंकि उनको बेटर नॉलेज थी। विथ टाइम ऑटोमेशन आया, और ऑटोमेशन से क्या हो गया कि लेबॉरेटरीज़ में बहुत सारा फाइनेंशियल गेन होने लगा, उनको लगा कि ये एक लुक्रेटिव एरिया है जिसमें हम जा सकते हैं, पर हम नहीं जा रहे हैं। फिर धीरे 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 MD इन बायोकेमिस्ट्री हुआ, वो करने के बाद भी आज के डेट में भी MD बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब में कमी है। MDs इसलिए नहीं जाते, कोई MBBS इसलिए नहीं पढ़ता कि वो पढ़ा सके या लैब में काम कर सके, वो इसलिए करता है कि वो पेशेंट को ट्रीट कर सके, और बाकी काम के लिए हम हैं और हम करते आए हैं। अभी अचानक आपको ये प्रॉब्लम क्यों होने लगी? यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से एक प्रोफेसर ने जो है ये सीधी NMC पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके पूरे जो ब्यौरा बताया कि किस तरीके से जो है जानबूझकर फैकल्टीज जो भी हैं मेडिकल फैकल्टीज उनके साथ जो है एकदम से उनके परसेंटेज घटा दी गई है और नए नए गैजेट लाए जा रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।